अस्सलाम वालेकुम। बीच में है कॉफ़ी आइसक्रीम शेक की। इसके लिए हमने ले ली है, सबसे पहले ब्लेंडर में कुछ बर्फ़ डालनी है और इसके लिए हमने ले लिए हैं 2 कॉफ़ी के साशे, कोई भी आप साशे ले लें। और इसके साथ हमने ले लिया है दूध, साथ लिए हमने इस वक्त बाज़ार की आइसक्रीम। लेकिन ये कि आइसक्रीम बनाने की बहुत सी रेसिपीज़ हम आपको दे चुके हैं, आप आइसक्रीम बनाकर इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बर्फ़ थी उसमें हम डालेंगे टेस्ट के मुताबिक चीनी, जितनी आपको पसंद हो। चीनी हमने डाल दी, अब हम इसमें डालने लगे हैं दूध। दूध थोड़ा कम है, थोड़ा सा दूध में और डालूंगी। और इसमें हम साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी बीच में क्रीम या आइसक्रीम, कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। फ्लेवर आप अपनी पसंद से डाल लें। मैंने थोड़ी सी, मेरे पास वनीला आइसक्रीम थी वो डाल दी है इसमें। और अब साथ में ही हम थोड़ी सी इसके अंदर ये चॉकलेट आइसक्रीम भी डालेंगे और अब इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करके फिर आपको दिखाते हैं। और इसमें साथ ही हम डालने लगे हैं 2 कॉफ़ी के साशे। चाहें तो इनको अलग से पानी में मिक्स करके भी आप ऐड कर सकते हैं। 2 कॉफ़ी के साशे से घर के 5 या 6 अफराद के लिए गुड एक एक ग्लास जो है वो ड्रिंक तैयार हो जाएगा। इसको चाहें तो इस तरह से चॉकलेट सिरप के साथ डेकोरेट कर लें। ये हमने इसके अंदर सिरप डाला और इसको इस तरह से बस यूं रख दिया। अब जो इसके अंदर हमने शेक बनाया था सारी चीज़ों को ब्लेंड करके, वो हम इसके अंदर डालते हैं। और साथ ही इसके अंदर आप ये ग्लास को हर तरफ से देखें, ये खूबसूरत सी लुक इसकी आ रही है। अब इसमें फाइनली आप ऊपर एक आइसक्रीम का स्कूप जो है वो डाल दें। तो ये आप इसको जो है वो इस तरह से बनाएं, सर्व करें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।